दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आरती सिंह और दीपक चौहान के गृह प्रवेश के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आरती सिंह और दीपक चौहान संग सात फेरे लेके शादी के पवित्र बंधन में बन गए हैं। दोनों की शादी 26 अप्रैल को पारंपरिक तरीके से हुई। यह समारोह मुंबई के इस्कॉन मंदिर में हुआ, जिसमें करीबी 150 मेहमान शामिल हुए। आरती सिंह और दीपक चौहान की शादी के बाद सोशल मीडिया पर इंडस्ट्री से एक्टर और एक्ट्रेस जमकर बधाइयां दे रहे हैं। आरती सिंह और दीपक चौहान काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब एक दूजे के हो चुके हैं। कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की बहन आरती सिंह मिस सेम मिसेस बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर आरती और दीपक की शादी की तमाम फोटोज और वीडियो वायरल हो रहे हैं। दोनों हाथों में हाथ थामे खुश नजर आ रहे हैं। आरती ने अपनी शादी पर सुर्ख लाल लहंगा पहना था, जिस पर गोल्डन वर्क हुआ था। लहंगा काफी हैवी था। वहीं दीपक ने ऑफ वाइट गोल्डन वर्क वाली शेरवानी पहनी थी। बता दें कि आरती अपनी शादी को लेकर बेहद खुश थी। दीपक संग इनकी लव मैरिज है, काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आरती सिंह और दीपक चौहान कल शाम 4 बजे परिवार वालों और करीबी दोस्त की मौजूदगी में शादी की शपथ ली और अब दीपक चौहान के साथ नई नवेली दुल्हन का गृह प्रवेश होगा। आरती सिंह ने रीति रिवाज से रस्में की। आरती सिंह और दीपक चौहान ने पेपराजी के सामने आकर काफी पोज भी दिए। आरती और दीपक चौहान की जोड़ी काफी खूबसूरत लग रही है और इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। फिलहाल हमारी तरफ से भी दीपक और आरती को शादी की ढेर सारी बधाइयाँ। तो दोस्तों, आप भी कमेंट के जरिए प्यारे से कपल को बधाइयाँ दीजिए।